नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, आज बिहार में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दो ट्रायल मैचेस होने थे, जिसमें से दूसरा मुकाबला बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। दिन के पहले मैच में बिहार राइडर्स और बिहार इंडियंस की टीमें आमने सामने थी। गाइस, इस मुकाबले में आखिर क्या कुछ हुआ, वीडियो में आपको आगे शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी एक कमाल की क्रिकेट लीग खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से IYCL के लिए खुद को रजिस्टर करें। वहां पे दोस्तों, अगर आप बढ़िया प्रदर्शन करेंगे तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है। गाइस, कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार राइडर्स और बिहार इंडियंस की टीमों के बीच ये मुकाबला जो हुआ, उसमें बिहार राइडर्स ने टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का फैसला किया। टीम के लिए साकिब उल गानी ने बेहद ही कमाल की इनिंग्स खेली। इन्होंने 41 गेंदों में शानदार 54 रनों की पारी खेली और टीम को 148 रनों तक पहुंचाया। बिहार इंडियंस के लिए एक बार फिर से हिमांशु सिंह ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में 24 रन देकर 2 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिहार इंडियंस की टीम के लिए विजय वत्स ने कमाल की बल्लेबाजी करी। उन्होंने 38 गेंदों में ताबड़तोड़ 51 रन ठोके और टीम के लिए बहुत ही कहीं ना कहीं ज्यादा ये मददगार साबित हुई उनके इनिंग्स। दोस्तों, बिहार राइडर्स के लिए यशस्वी ऋषभ ने 16 रन देकर 2 विकेट जरूर चटकाए, लेकिन इसके बावजूद विजय वत्स के बेहतरीन अर्धशतकीय पारी के दम पर इंडियंस ने, या गाइस बिहार इंडियंस ने इस मुकाबले को आखिरकार 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, ये जो मुकाबला रहा वो रहा साकिब उल गानी, विजय वत्स और हिमांशु सिंह के नाम। तो गाइस, इसमें से ये जो प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं अब जो यहाँ पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की जो टीम बनेगी, प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं ये तीनों खिलाड़ी। और देखेंगे आखिर आगे क्या कुछ होता है, किन प्लेयर्स को जगह दी जाती है, जरूर से आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो हमें फॉलो करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑल पे सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ एंड आई लव यू ऑल।